हेलो भाई जी, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है और जैसे जैसे सीटेट की डेट जो है निकलती जा रही है, बहुत से बच्चों के मन में बहुत सारे जो है क्वेश्चंस हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है बीएड 2020 बैच वालों के साथ हैं, तो सारी चीजों पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे कि कितनी आसानी से हम लोग सीटेट का एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हैं। सीटेट का एग्जाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, मैं आपको बता दूं, बस थोड़ा सा हम लोगों को स्मार्ट वे में काम करना होता है। तो हम इसी के बारे में सारी बातें करेंगे। बीएड 2020 बैच वाले बच्चे फॉर्म डालें ना डालें, कैसे डालना है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि ये चैनल हमेशा आप सभी के साथ रहता है, चाहे जहां पर जैसा भी काम लगता है चैनल हमेशा आपके साथ आता है और अपडेट तो आपको समय समय से दिया जाता है। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं सब कर ही लिया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूंगा बीएड 2020 बैच वालों को लेकर के क्या सीटेट में इनको फॉर्म डालना चाहिए। तो देखो भैया, जिनका एक साल हो चुका है उन सभी लोगों को तो फॉर्म पड़ जाएगा और सब कुछ वैलिड भी रहेगा, ठीक है। बाकी जिन लोगों का अभी रिजल्ट नहीं आया है या सेकंड ईयर में उनका एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाए, उनका क्या होता है, क्या वो फॉर्म डालें या ना डालें, क्योंकि आप सभी के सबसे ज्यादा जो कमेंट हैं वो वीडियो के नीचे यही आते हैं कि बीएड 2020 बैच वाले क्या करें, कि जैसे राम मनोहर लोहिया हो गया या और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हो गए, क्या इनको फॉर्म डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। देखो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, देखो मैं यूपी टेट की अभी बात नहीं करूं, अभी मैं सीटेट की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं सीटेट की बात करूं तो फॉर्म डालने की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म आप सभी लोग फिल कर दीजिए, चाहे जिसका रिजल्ट आया हो, नहीं आया हो, पेपर हुआ हो, नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है। देखो जिनका रिजल्ट आ गया होगा, एक साल का रिजल्ट आ चुका होगा, उन सभी लोगों का जो फॉर्म है वो वैलिड हो जाएगा। अगर आप पास करते हो तो आप वैलिड होंगे, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जो है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों का अभी तक जो है रिजल्ट भी नहीं आया और ना ही उनका सेकंड ईयर में उनका एडमिशन हुआ है, तो वो बच्चे एक बार पेपर दे दीजिए। और पेपर दोगे तो आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा होता है और आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं। अगर पास कर ले जाते हो तो आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा आ जाएगी कि देखो यार, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने सीटेट को क्रैक कर दिया। और अगर मान लो 2-4 नंबर 6 नंबर से अगर कोई दिक्कत भी हो जाती है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि देखो यार, पहली बार सीटेट देने में और 2-3 बार सीटेट देने में फर्क होता है। आप सभी लोग अगर बीएड 2020 बैच में हो तो जाहिर सी बात है आपने अभी तक सीटेट का या टेट का कोई भी फॉर्म नहीं डाला होगा, तो एक बार आप लोग सीटेट का फॉर्म जरूर डाल दीजिए। हाँ, ये बात जरूर है कि 1000 रुपए जो है उसका चालान है। अब यही आप लोग कहोगे, सर अब क्या हम पेपर चेक करने के लिए हम 1000 रुपए का चालान थोड़ी ना वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका मानना है, अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए। हो सकता है अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, आपका हो सकता है एक साल ना हुआ हो, तो हो सकता है इन फ्यूचर कभी वो वैलिड भी हो जाए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि एक बार कोर्ट में केस हुआ था जिसमें कोई बच्ची थी जो फर्स्ट सेमेस्टर में ही उसने अपना जो है टेट का एग्जाम क्रैक किया था और लास्ट में उसकी जॉब लगी थी, तो उसका जो है रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी सेमेस्टर का जो है टेट वैलिड हो जाएगा, तो हो सकता है इन फ्यूचर वो आपका वैलिड भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं होती है इसमें, ठीक है। अगर आपकी मान लो उसी सर्टिफिकेट से अगर आपकी जॉब लग रही है और अगर कहीं पर चैलेंज करना होगा तो वैलिड हो जाएगा। तो मैं तो सभी से यही कहूंगा कि सभी लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, चाहे किसी का रिजल्ट आया हो नहीं आया हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आप बीएड 2020 बैच में एक्चुअली हो, अब ये मैं नहीं कहूंगा कि 2021 वाले डाल दो, लेकिन अगर आप 2020 बैच के हो तो आप अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर आप पास हो जाते हो तो बड़ी अच्छी बात है, आपको एक अलग से वो हो जाएगा, एनर्जी आ जाएगी आपके शरीर के अंदर। और जो लोग नहीं किए हैं या जिन लोगों की ऑलरेडी एक साल का हो चुका है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो जान लगा के पेपर देना ही देना है कि पास हो जाएंगे तो ठीक। मतलब कुल मिलाकर सभी लोग फॉर्म डाल दीजिए क्योंकि सीटेट में कोई दिक्कत नहीं होता। अब सबसे बड़ी मैं बात बताऊंगा कि हम सीटेट को क्रैक कैसे करें। ये जो मैं बताने जा रहा हूं बात को ना, इस बात को डीएलएड वाले बच्चे और प्लस जो हमारे बीएड वाले साथी हैं, ये सभी लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं, देखो सीटेट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीके तो है सबसे पहले पढ़ाई। ये तो सभी को पता है कि बिना पढ़ाई के जादू की छड़ी तो आ नहीं, वहां गए घुमाए और जो है हमारा सीटेट जो है बिल्कुल क्रैक हो गया। हम सभी लोग बीएड और डीएलएड करते भी इसीलिए हैं कि हम लोग जो है सीटेट पास करें और उसके बाद हम सुपर टेट क्रैक करें, उसके बाद हम एक अच्छी सी जॉब पाएं, एक अच्छी सी सरकारी नौकरी शिक्षक के पद पर पाएं, तो उसके लिए हमको पढ़ना तो होगा ही होगा, ठीक है। तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई में आप सभी को पता है 5 सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं जिसमें आपको सीडीपी पढ़ना होता है, मैथ्स पढ़नी होती है, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक लेना होता है, हिंदी आपको लेना होता है, उसके साथ ही साथ आप लोग जो है ईवीएस पढ़ते हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट आपको पेपर में देना होता है सीटेट के पेपर में। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में एक एक ख्याल आ रहे होंगे कि पता नहीं किस प्रकार का ऑनलाइन पेपर होगा, क्योंकि अब की बार ऑनलाइन पेपर पहली बार होने जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराओ,
आप सभी को पता होगा, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज में मैंने ऑलिव बोर्ड मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको उस ऑलिव बोर्ड को देना है तो मैंने उसकी लिंक नीचे दे दिया है। और इस ऑलिव बोर्ड में एक खास बात है, ठीक है, इसमें कोई प्रमोशन नहीं, मैं किसी भी ऐप वेब की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, सीधी से मैं बता रहा हूं, क्योंकि ऑलिव बोर्ड को मैंने पर्सनली देखा है, मैंने पर्सनली उसको लगाया है, बहुत अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट उसमें डिजाइन किए गए, बिल्कुल उसी तरीके के हैं जिस तरीके का पैटर्न हमारे सीटेट के एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सीटेट का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो आपको एक मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, ठीक है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए एकदम ठीक ठाक लेवल का, वो आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। इस मॉक टेस्ट से कई सारे फायदे हो जाते हैं, जैसे मान लो आपका सीडीपी का कोई पोर्शन वीक है तो आपको ये लग जाएगा कि हाँ भैया मेरा सीडीपी वीक है, या मुझे अपने मैथ्स में ये काम अभी करना है, ईवीएस में मुझे ये टॉपिक अभी पढ़ना है, भाई जो चीजें नहीं होंगी वो आपको मॉक टेस्ट में पता लग जाएगा कि मेरी ये कमी है या मेरा जो है ये पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। यानी मॉक टेस्ट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अगर एग्जाम देने जाना है तो। साथ ही साथ इसमें एक चीज और भी है कि इस टाइम ऑलिव बोर्ड ये भी दे रहा है कि अगर आपके बढ़िया से अगर सब कुछ सही जाते हैं, अगर आपका टॉप रैंक में आते हो, आपके नंबर अच्छे जाते हैं, तो आप लोगों को ₹500 के लगभग 10 मॉक टेस्ट आपको फ्री भी दिया जा रहा है इस टाइम, ठीक है। तो आप लोग जाइए, आपको मॉक टेस्ट लगाना है और जितने भी नंबर आपके सही जाएंगे वो आप आकर कमेंट बॉक्स में उसको जो है लिख देना है कि हाँ सर मेरे इतने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है। सभी को ये बताना है, सभी को ये काम करना है, क्योंकि अगर हमको शिक्षक बनना है तो आपको भी पता है कि आगे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें आज से तैयारी करते रहना है। ऐसा नहीं कि जब हम पेपर का आएगा नजदीक तब हम तैयारी करेंगे, तो ये बात बिल्कुल नहीं है, गलत बात है ये। आप सभी लोगों को अच्छे से तैयारी जो है वहां पर करना है। तो सभी के लिए मैंने अपडेट बता दिया, चाहे डीएलएड वाले बच्चे हो चाहे बीएड वाले बच्चे हो, सभी लोग जाइए और आराम से जो है अपना मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, और कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। तो अगर आपको अपडेट पसंद आई हो, और यही चीज है कि अगर आप लोग सीटेट का मॉक टेस्ट में अच्छे से आप रैंक जो है अच्छा रैंक ले आते हो तो आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट दे दिया जाएगा। और इसीलिए सीटेट वाले जो छात्र हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है कि आप लोग को 10 मॉक टेस्ट भी फ्री मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, और 19 तारीख ही हम लोगों की लास्ट डेट है सीटेट का फॉर्म भरने का, तो आप लोग एक दो दिन का वेट कर लीजिए, फिर आप लोग फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया अभी तक तो एक दो दिन वेट कर लीजिए, फॉर्म भर दीजिए, और नहीं भी आएगा रिजल्ट तो भी फॉर्म भर दीजिएगा, और पेपर ऊपर जो है देख लीजिएगा किस हिसाब से पेपर होना है। तो अगर आपको अपडेट पसंद आई हो तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, ऑलिव बोर्ड की लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आपको कहीं ढूंढना नहीं है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।